नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज जो चर्चा का विषय है, एक वर्ड है, उसी पर चर्चा करेंगे। हीट, हीट एक वर्ड है, उसी पर चर्चा करेंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे रूब्रिक के अंदर में हीट जो वर्ड है, शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है। जैसे एंग्विश, हीट ड्यूरिंग, एंगर, हीट विथ, चीयरफुल, हीट ड्यूरिंग, क्वाइट डिस्पोजिशन, हीट ड्यूरिंग, पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। तो इसलिए हीट शब्द जो है उसको हमको समझ लेना होगा, तभी ना इसका इस्तेमाल कोई रूब्रिक को हम समझ पाएंगे। तो देखिए, हीट का जो हिंदी मतलब होता है, हीट माने गर्म, ताप। हीट का और मतलब होता है जोश, तनाव, दबाव, इसको भी हीट की अवस्था कहते हैं। देखिए, हीट जो है से हमारे शरीर में दो तरह से हो सकता है। एक शारीरिक हीट हो सकता है, एक मानसिक हीट हो सकता है। शारीरिक हीट हुआ, शरीर में गर्मी है, जैसे बुखार लग गया, शरीर के कोई अंग में इन्फ्लेमेशन होकर करके उसमें कुछ पैदा हो गया, जैसे घाव वगैरह पैदा होता है तो उसमें भी गर्मी उर्मी रहता है। तो ये सब शारीरिक हीट के उदाहरण हैं। और मानसिक हीट, मानसिक हीट जैसे क्रोध के अवस्था में है तो वो भी जैसे कि मानसिक हीटर अवस्था है। तो ये सब शारीरिक और मानसिक हो सकता है। तो अब इसको देखिए, डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं। बहुत सारे इसका डिक्शनरी मीनिंग है, जैसे एक स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्पेशली एक्साइटमेंट और एंगर, माने बहुत ज्यादा आवेग की अवस्था, विशेष कर करके उत्तेजना और क्रोध वाला जो अवस्था होता है उसको हीट की अवस्था कह सकते हैं। हीट के मतलब ये भी होता है, हीट का दूसरा जो है डिफिनेशन है, व्हेन यू हीट समथिंग यू रेज इट्स टेम्परेचर। जब आप किसी चीज में गर्मी पैदा कर देते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो है कि टेम्परेचर जो है, तापक्रम जो है, उसको बढ़ा देते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जो तापक्रम है से बढ़ जाता है। द हीट, और इसका डिक्शनरी मीनिंग है, द हीट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्टिविटी इज द पॉइंट व्हेन देयर इज द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। माने पार्टिकुलर जो प्रक्रिया है उसमें हीट का जो पॉइंट कहां पर होता है कि जहां पर ग्रेटेस्ट एक्टिविटी होती है, जब कोई काम में खूब ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो उसको हीट की अवस्था कहा जाता है। इसे काम की गर्मी कहते ना, है कि काम की गर्मी, काम बहुत तेजी से चल रहा है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है उसको भी जो हीट की अवस्था कहा जाता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है उसको भी हम लोग हीट की अवस्था में रखते हैं। और इसका मतलब है एक्सट्रीम प्रेशर एज ऑफ इवेंट्स रिजल्टिंग इन टेंशन और स्ट्रेन। बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव की अवस्था, जैसे कोई काम धाम में दबाव होता है ना, काम का बोझ होता है, रिजल्ट जिससे क्या होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न करता है। इतना ज्यादा काम का बोझ हो गया, काम का दबाव है जो टेंशन और तनाव उत्पन्न करता है, उसको भी हीट की अवस्था कहा जाता है। ये सब हीट का मतलब है। ये हीट क्या है, ऐसी चीज जो उत्तेजना पैदा करे, जहां उत्तेजना हो, उत्तेजना की अवस्था। सेक्सुअल एक्साइटमेंट बता दिए कि एक हीट की अवस्था है, तो ये सब हीट की अवस्था है।
मानसिक ही क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग इमोशन की अवस्था, जैसे क्रोध हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ये सब मानसिक हीट की अवस्था है। अत्यधिक मानसिक दबाव, जैसे काम आदि का दबाव होता है, तो वो भी हीट की अवस्था के अंतर्गत आता है। बीमारी की चरम अवस्था, बीमारी के कारण बहुत कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है व्यक्ति, चरम अवस्था है बीमारी का, तो वो भी एक हीट की अवस्था उसको कहा जा सकता है। बीमारी की चरम अवस्था को भी हीट की अवस्था कहते हैं। मन में उथल पुथल है, उत्तेजना है, इस अवस्था को भी हीट की अवस्था में कहा जा सकते हैं। माने हीट, जब कोई चीज जब हीट हो जाता है जहां पर, तो उसको क्या होता है, शांत करने के लिए ठंड की आवश्यकता पड़ती है। हीट जब हो जाएगा तो क्या होगा, क्रोध में है तो उसको शांत करने के लिए क्या होगा, उसको समझाना बुझाना ये सब किया जाता है, मन को शांत, ठंड प्रदान किया जाता है। समझाना बुझाना भी क्या है, एक तरह से ठंड प्रदान करना है, सांत्वना देना, समझाना बुझाना, तो ठंड से शांत होता है। गर्मी कैसे शांत होगा, ठंडा से शांत होगा। तो ये सब हुए हीट के मतलब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। नमस्कार, जय।